हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड टिल नाउ कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया, ब्लडी संडे इंसिडेंट ऑफ 1905। थर्ड, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन इकोनॉमी। उसके बाद फिर हमने क्या स्टार्ट किया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद फेब्रुअरी और अक्टूबर के बीच का टाइम पीरियड वो हमने पढ़ा कि कैसे फेब्रुअरी के बाद लेनिन की एंट्री हुई कंट्री में, और लेनिन ने कैसे करेंसकी की वीकनेस का फायदा उठाते हुए कंट्री में लोगों के साथ कुछ प्रॉमिसेस किए कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो वी विल ब्रिंग सेकंड रेवोल्यूशन इन द कंट्री एंड वी विल चेंज द रूल ऑफ करेंसकी। पहले कंट्री का रूलर कौन था, ज़ार निकोलस सेकंड। उसके बाद उसको किसने रिप्लेस किया, करेंसकी। करेंसकी कौन सी पार्टी का लीडर था, मेंशेविक। गुरपाल करेंसकी वॉज द लीडर ऑफ, यही आपने टेस्ट में गलत लिखा था ना, करेंसकी वॉज द लीडर ऑफ, लेनिन वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक। ठीक है, इसके बाद अब हमने करना है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अदर नेम ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन इज बोल्शेविक रेवोल्यूशन, क्योंकि कौन सी पार्टी ने इसको रेवोल्यूशन रिवोल्ट लेकर आई थी, बोल्शेविक। सबसे पहले पार्टी के लीडर याद रखो, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। अब हमने स्टार्ट करना है अक्टूबर रेवोल्यूशन से। मैंने आपको हमेशा कहती हूँ बेटा, जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, उस क्वेश्चन से पहले की इवेंट को एज अ इंट्रोडक्शन लो। इसका मतलब क्या है, अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपने सबसे पहले बताना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट हेडिंग कौन सा बनेगा आपका, इंट्रोडक्शन अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फर्स्ट आप लिखोगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का भी क्या हुआ था, बिल्कुल शॉर्ट में बताना, यानी कि पिछला हमने जो भी क्वेश्चन किया उसको शॉर्ट में आपने बताना है। दैट इन द ईयर ऑफ 1917 इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी The Kerensky from the Menshevik party brought revolution with the help of दो तीन ग्रुप्स के नाम बता दो, soldiers, farmers, workers and ठीक है, and they formed which type of government, कौन सी गवर्नमेंट बनाई, provisional government, ठीक है, and Kerensky became the prime minister of Russia. Second point, second आपने बताना है failure of Kerensky's policy. Second point में आपने बताना है failure of करेंसकी पॉलिसीज। आपने इसमें बताना है ड्यू टू सम रीजंस करेंसकी वाज नॉट एबल टू फुलफिल द प्रॉमिसेस। कौन कौन से प्रॉमिसेस करेंसकी ने किए थे, जो वर्कर्स को बेटर वर्किंग आवर्स या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, लोग चाहते थे कि उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिले, लेकिन करेंसकी की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी, बिकॉज करेंसकीज गवर्नमेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मेनली रिच पीपल, लैंड ऑनर्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। Privatization was still in the country and he was not able to satisfy which group, farmers, landless and poor people. ठीक है, तो करेंसकी की गवर्नमेंट के थोड़े से फेलियर बताने, he was not able to stable the prices in the country and not able to give 100% employment to the people, so that's why many workers they were not satisfied with the policies of करेंसकी. थर्ड फिर आपने बताना है अप्रैल थीसिस बताओगे that Lenin again came in the Russia and he made some promises with the people of Russia. Lenin ke charon promises bata dene hai, charon promises kaun se hai, Lenin ne kya promise kiya, war to be close, number 2 land redistribution, land will be taken from the rich people and given to poor people, banks will be nationalized and rights will be given to non Russians, non Christians, ya jo bhi us time period mein aise log jo मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे या फिर जो डेमोक्रेसी चाहते थे, ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमने बताना है दैट फोर्थ आपने हेडिंग बताओगे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। मार्च के बाद फिर अप्रैल के बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ जो है लेनिन ने सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या अलग अलग ग्रुप्स का सपोर्ट लिया, सोल्जर्स को अपने साथ मिलाया, फार्मर्स को अपने साथ मिलाया, वर्कर्स को अपने साथ मिलाया, और एक सोल्जर्स को साथ में मिलाकर उसने कमेटी बनाई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। लेनिन फॉर्म द कमेटी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एंड इसके हेड उसने किसको बनाया, लियोन ट्रॉट्स्की। अब आपने रशिया में ना मेन 5-6 नाम ही आपने पढ़े, नंबर 1
रशिया का रूलर कौन था? जार निकोलस से। रूलर की वाइफ का नाम क्या था? जारीना एलेक्जेंडर। किसको फॉलो करती थी? रासपुतिन। कौन थे रासपुतिन? जर्मन। ठीक है, और आपने किसका नाम पढ़ा? जार निकोलस को रिप्लेस किसने किया? करेंस्की। कौन सी पार्टी से थे? मेंशेव। करेंस्की को रिप्लेस करने का प्लान कौन बना रहा था? लेनिन। लेनिन कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था? बोल्शेविक। लेनिन ने अपने साथ एक कमेटी बनाई, अपने साथ एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन को लिया, मिलिट्री कमांडर जो था उस टाइम पीरियड में, उसको अपने साथ मिला लिया एंड उसको कमेटी का हेड बना दिया, ताकि कंट्री में सीक्रेट रेवोल्यूशन या सीक्रेट अटैक प्लान किया जाए। और डेट वॉज डिसाइडेड 24 अक्टूबर। फिर आपने लास्ट लाइन में पूरा अक्टूबर रेवोल्यूशन को बताना है, दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 24 अक्टूबर व्हेन करेंस्की वॉज नॉट इन द सिटी, करेंस्की सिटी में नहीं था, आउट ऑफ द सिटी था, एंड लेनिन टुक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन, उसने इसका एडवांटेज लिया। पूरी कमेटी ने 24 अक्टूबर डे टाइम पीरियड में क्या किया? नेवा रिवर के आसपास का एरिया और विंटर पैलेस के आसपास का एरिया सीज कर लिया। सीज का मतलब होता है अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड करेंस्की नेवर मैनेज टू कम बैक इन द कंट्री। करेंस्की उसके बाद कंट्री में वापस ही नहीं आ सका। और इसके बाद विंटर पैलेस का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में। जिसके पास आर्मी, जिसके पास पैलेस, जिसके पास कंट्री की सारी पुलिस, अल्टीमेटली रूल उसका माना। बच्चे आवाज नहीं आई बिल्कुल, ठीक है। एंड 24 अक्टूबर की नाइट तक, मतलब पूरा एरिया मॉस्को, पेट्रोग्रेड या जितना भी एरिया था, वो सारा कमेटी के कंट्रोल में, कमेटी के कंट्रोल में था, तो इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में था? लेनिन के कंट्रोल। गुरपाल, बच्चे आपकी आवाज आ रही है इधर, किसकी आवाज आ रही है? हाँ बोल रहे हैं ना, आप एडमिट कर लो, अपनी सीट चेंज कर लो, बेटर है। बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। हाँ जी, बाय द नाइट होल ऑफ द सिटी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमेटी एंड नाउ लेनिन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ रशिया। तो ये सारा आपने बताना है अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रिवोल्ट। कई बच्चे पता क्या करते हैं, बोल्शेविक रिवोल्ट में सीधा ही शुरू कर देते हैं, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी वाज फॉर्म। थोड़ा सा इससे पहले कि आपने सारी कंडीशंस बतानी है, उसके बाद एंड आपने करना है, नाउ लेनिन द कमांड ऑफ द कंट्री वाज इन द हैंड्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी एंड लेनिन। ठीक है, यहां तक तो लेनिन की पॉजिटिव इमेज थी, लोगों को लग रहा था कि उन्होंने जिस पर्सन पे ट्रस्ट किया है वो कंट्री में सोशलिज्म या लोगों को, पुअर पीपल जो है उनको 100% सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमेशा क्या हुआ, जब किसी कॉमन मैन को पावर मिलती है तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। ये आपने किस किस केस में सुना? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के केस में। अब हमने लेनिन के केस में पढ़ना है कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया, लेनिन रूलर बन गया, इसके बाद फिर हमने बताना है लेनिन की पॉलिसीज। लेनिन की पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि आफ्टर अक्टूबर, आफ्टर 24 अक्टूबर रशिया में क्या हुआ, लेनिन ने किस तरह से पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, वो हमने इसमें बतानी है लेटर ऑन। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए राइट अ नोट ऑन द लेनिन पॉलिसीज इन रशिया, वो बच्चे पता क्या फेब्रवरी का बताना शुरू कर देते हैं सर। आपने सीधा टाइम पीरियड अपने माइंड में रखो कि हमने लेनिन का बताना है, तो इट मीन्स हमने रशिया के रेवोल्यूशन यानी कि अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड बताना है। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, आफ्टर अक्टूबर का मतलब अक्टूबर के बाद क्या हुआ जब लेनिन कंट्री का रूलर बन गया। अब हमने बताना है कि क्या लेनिन ने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल किया या नहीं। यस ही डिड, सम प्रॉमिसेस ही फुलफिल्ड, बट उसने क्या किया, कंट्री को, कंट्री में कुछ चेंजेस लेकर आया जो नेगेटिव चेंजेस थे। लेकिन हमने लेनिन की पॉलिसीज में दोनों ही बताने हैं, पॉजिटिव भी बताने हैं एंड नेगेटिव भी बताने, ठीक है। नंबर वन, लेनिन की पॉलिसीज में सबसे पहले आपका एक फर्स्ट पॉइंट ही बन जाएगा, लेनिन पॉलिसीज में आपने बताना है अप्रैल थीसिस। अब आपने अप्रैल थीसिस को ये नहीं बताना दैट ही प्रॉमिस टू द पीपल दैट विल बी नहीं होगा, उसने क्या करके दिखाया, आपने सेंटेंस चेंज कर देना है। अब आपने अक्टूबर के बाद बताना है, नंबर वन सबसे पहले उसने क्या किया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अक्टूबर के बाद उसने रशिया में 1917 का टाइम पीरियड था, वॉर अभी चल रही थी, और उसने सारे प्रॉमिसेस को धीरे धीरे पूरा किया। सबसे पहले उसने क्या किया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ही
रेटेड ऑन द इनकम एंड लैंड ऑफ द रिच पीपल. रेट का मतलब क्या था, इनकम टैक्स रेट जैसे होती है. और जितनी लोगों की अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, रिच लैंडलॉर्ड्स या लैंड ओनर्स के पास जितनी भी अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी, उसने सारी उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में कर लिया एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस पीपल. सबसे पहले उसने किसको खुश किया, लैंडलेस एंड पुअर पीपल. ठीक है, उसके बाद पूरी कंट्री की इनकम को कंट्रोल करने के लिए लैंड ओनर्स या रिच पीपल कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स में कितनी मनी है, ये तभी पता लगेगी ना जब बैंक्स किसके अंडर में हो जाएंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल. सेकंड उसने क्या किया, ऑल द बैंक्स वर मेड नेशनलाइज. पहले उसने किया था शुड बी, लेकिन अब उसने किया क्योंकि वो रूलर था, पावर उसके हाथ में थी. ही नेशनलाइज ऑल द बैंक्स इन द कंट्री टू कंट्रोल द करेंसी, करेंसी को कंट्रोल किया जाए. देन थर्ड, ही गेव राइट्स टू ऑल द नॉन रशियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स या जैदिस जो भी उस टाइम पीरियड में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स थे, उसने सबको राइट्स दिए. राइट्स का मतलब होता है, उसने ये कहा कि जब भी वॉर बंद होगी, वॉर बंद होने के बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फिर से कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और उन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या दिया जाएगा, लीगल रिकॉग्निशन. इसका मतलब क्या है, ही गेव राइट्स ऑल द टू ऑल द पीपल, चाहे वो नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स थे या जैदिस थे या नॉन रशियन थे या नॉन क्रिश्चियंस थे. फिर उसने क्या किया, पीस ट्रीटी. लोगों का मेन क्या चाहते थे लोग, वॉर को बंद करना. तो उसने क्या किया, ही साइंड अ पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी का मतलब होता है कि वॉर बंद करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विनर कंट्रीज जो थी उनके साथ. एंड फिर विनर कंट्रीज कौन कौन सी थी, मेन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. इन तीनों के साथ मिलकर उन्होंने उस टाइम पीरियड में, अच्छा लूजर कंट्रीज कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. अब आपको वो पीस ट्रीटी याद है जब हिटलर, जो जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वाइमर रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था पैलेस ऑफ वर्साय में, दैट वाज अ ट्रीटी, पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय. ठीक है, तो रशिया में लेनिन ने क्या किया, पीस ट्रीटी साइन की गई लूजर कंट्रीज के साथ एंड 1918 तक आते आते वॉर को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया. नाउ पीपल दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द लेनिन, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो लेनिन ने चारों प्रोमिसेस किए थे उनको क्या किया, फुलफिल किया. ठीक है, अब इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे कि लेनिन की पॉलिसीज, अप्रैल थीसिस तो हो गया. अच्छा कई बार पता क्या होता है, कई बच्चे सोच लेते हैं, अगर मैं दो क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चे कि राइट अ नोट ऑन अप्रैल थीसिस या राइट अ नोट ऑन लेनिन पॉलिसीज, तो बच्चे क्या करते हैं, लेनिन की पॉलिसी में सिर्फ अप्रैल थीसिस ही लिखते हैं, उसके बाद लिखते ही नहीं. हमने पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव बताना है, लेकिन अप्रैल थीसिस में हमने नेगेटिव नहीं बताना. अगर लेनिन की पॉलिसीज आएगा उसमें हमने दोनों बताना है कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ. अगर आपको सिंपल इतना पूछा गया कि बेटा राइट अ नोट ऑन अप्रैल थीसिस, तो आपने सिर्फ वो प्रोमिसेस बताने हैं जो उसने अप्रैल में किए, लेकिन प्रोमिसेस. लेकिन अगर आपको आता है लेनिन की पॉलिसीज बताओ, तो उसमें आपने दोनों ही बताने, अप्रैल थीसिस बताकर उसकी नेगेटिव पॉलिसीज बतानी है कि रशिया में उसने क्या क्या नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है कि जो डेमोक्रेटिक नहीं था, उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक था लेकिन अल्टीमेटली वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्या ऐसा किया. ठीक है, अब आपने बताना है. नेक्स्ट आप बताओगे इसके बाद, लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, सेकेंड पॉइंट. यानी कि ये हो गया, अप्रैल थीसिस हो गया, लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी. सोशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया और फार्मिंग या एग्रीकल्चर सारी गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई. यानी कि फार्मर्स अब जो भी खेती करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को वो सारा जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा. लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड ही पुट बैन ऑन ऑल द ओल्ड टाइटल्स. ओल्ड टाइटल्स का मतलब होता है, जार निकोलस ने अपने टाइम पीरियड में जिनको भी कोई नाम के साथ कोई टाइटल्स वगैरह दिए हुए थे, उसने उनको लगाने से क्या कर दिया, बैन कर दिया. क्या मतलब होता है कि जार निकोला सेकंड ने अपने टाइम पीरियड में कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम के साथ कुछ टाइटल्स दिए होंगे, तो इसने क्या किया, कोई भी पर्सन उसके टाइम पीरियड में अपने नाम के साथ उन टाइटल्स को यूज नहीं करेगा जो किसने दिए थे, जार निकोला सेकंड ने. ठीक है, देन इसने अपनी पार्टी का नेम रीचेंज कर दिया. पहले नाम क्या था रेवोल्यूशनरी पार्टी, बाद में ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक बन गई मेंशेविक, एक बन गया बोल्शेविक. इसने बोल्शेविक का नाम चेंज करके क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. ही रीनेम हिज पार्टी इनटू रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अपनी पार्टी को कम्युनिस्ट बना दी. कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो कम्युनिटी के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है. देन
रशिया बिकेम वन पार्टी नेशन. वन पार्टी नेशन का मतलब होता है कि चाहे उसने बाकी सारी पार्टीज को लीगल रिकॉग्निशन दे दी, लेकिन अपनी मेन पार्टी का मतलब होता है वन पार्टी नेशन. जैसे चाइना और भी पार्टीज हैं, लेकिन हर बार एक ही पार्टी जीतती है. इसका मतलब रशिया के को उसने क्या बना दिया, वन पार्टी नेशन. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का डिसीजन होगा हर जगह. और भी पार्टीज को लीगल रिकॉग्निशन दी, लेकिन पार्टी पे होल्ड, गवर्नमेंट का होल्ड किसका होगा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. देन अब फैक्ट्रीज में लोग स्ट्राइक ना करें, एजिटेशन ना करें, उनको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, लेबर्स की यूनियन थी, उनके लीडर्स को अपने कंट्रोल में रखा. ऑल द लीडर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. पार्टी के कंट्रोल में रखा. इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्रीज में जितने भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, कोई भी स्ट्राइक करेंगे, सबसे पहले किसको पता लगेगा, पार्टी को. और अगर पार्टी को पता लगेगा तो पार्टी इजिली इनकी स्ट्राइक को क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी. ऑल द ट्रेड यूनियंस लीडर्स वर केप्ट अंडर द पार्टीज कंट्रोल. पार्टी के कंट्रोल में रखे गए ताकि कोई भी लीडर जो है वो लेनिन के अगेंस्ट जाकर कंट्री में स्ट्राइक एजिटेशन ना कर सके. क्लियर? देन फिर आपने बताना है पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट का जो नेम है वो क्या रखा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. दिस वॉज अ न्यू पार्लियामेंट नेम. पहले नाम क्या था, ड्यूमा. ड्यूमा के बाद करेंसकी के टाइम में तो पार्लियामेंट बनी नहीं थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, तो इसने पार्लियामेंट का नाम क्या रखा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. दैट वाज अ न्यू नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया. देन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज अ न्यू पार्लियामेंट ऑफ रशिया. और उसने क्या किया, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन लेनिन के अगेंस्ट ना जाए, ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस, जैसे हिटलर ने किया था. ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस एंड इम्पोज सेंसरशिप. सेंसरशिप लगा देना मतलब न्यूज़पेपर, बुक्स में कुछ भी लेनिन के अगेंस्ट प्रिंट नहीं होगा. ही इम्पोज सेंसरशिप इन द कंट्री. तो डू यू थिंक लेनिन वॉज डेमोक्रेटिक? कहीं ना कहीं उसने प्रोमिसेस पूरे किए, लेकिन उसको ये डर था कि जैसे करेंसकी को उसने रिप्लेस किया, तो लेनिन को कोई रिप्लेस ना करे. इसीलिए उसने क्या किया, पार्टीज को या ट्रेड यूनियंस को या लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर. तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ लेनिन. एंड अक्टूबर के बाद ये सारे चेंजेस कंट्री में आए. हाँ जी, सपोज आपको क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन लेनिन पॉलिसीज, तो भी आंसर सेम रहेगा. अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर इन द रशिया, तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि हमने मेन बताना है कि लेनिन जो नए चेंजेस क्या क्या लेकर आए. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ही इम्पोज सेंसरशिप इन द कंट्री और सीक्रेट पुलिस वॉज अपॉइंटेड. ये लेनिन थीसिस में नहीं आएगा. लेनिन थीसिस में सिर्फ चार ही पॉइंट आने. चार पॉइंट्स कौन से, वॉर टू बी क्लोज, बैंक शुड बी नेशनलाइज, थर्ड आएगा आपका ऑल द राइट्स वर गिवन टू नॉन प्रॉपर्टी या नॉन रशियन या नॉन क्रिश्चियंस उनको, और अबॉलिश रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये सपोज आपको आता है राइट अ नोट ऑन लेनिन पॉलिसीज या व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर इन रशिया. ठीक है, यहां तक क्लियर है? टाइमलाइन फिर से करें, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर इन रशिया सारा. ओके, फिर से. हाँ जी, अब रो वाइज मैंने सारा पूछना है, हर बच्चा एक आंसर जरूर देगा. हाँ जी, फर्स्ट, एनी वन कॉज ऑफ रशिया. टर्न वाइज सबने बोला, सबने एक आंसर जरूर बोला. हाँ जी, एनी वन कॉज ऑफ रशिया रेवोल्यूशन. हाँ, एक लाइन बताओ, सोशल कॉज क्या. विमेन वर पेड लेस, ये कॉज थोड़ी हुआ. एक लाइन में बताओ कॉज क्या था. किसी ने अगर रिवोल्ट किया तो रीजन बताना, रिवोल्ट क्यों किया, कौन सेटिस्फाइड नहीं था. सोसाइटी की बात करें तो पुअर पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड एंड विमेन वर नॉट सेटिस्फाइड. सिट डाउन. हाँ जी,
1905 ब्लडी संडे इंसिडेंट, हु लीड द प्रोसेशन? वेरी गुड, हां जी नेक्स्ट. नेम द जर्मन मॉन्क हु वाज ब्लाइंडली फॉलोड बाय ज़ारीना. हां जी रास्पुतिन. ओके, हु रिप्लेस ज़ार निकोलस सेकंड इन रशिया? Who replaced Tsar Nicholas II in Russia? Sit down next. Hanji. Kerensky. Sit down. Hanji. Okay. Why Kerensky government fail? हम कहते हैं ना कि Kerensky की government fail होगी तभी तो next revolution आया. Why Kerensky's government failed? Hanji Jiya, sit down. Privatization, mainly privatization thi. And Kerensky ki government abhi bhi jo thi na, usme land owners ka, rich people ka hold jyada tha. To country ki 80% people jo the farmers, they were not satisfied with the Kerensky's na support. Hanji, next. Who was a head of the provisional government in Russia? करेंसकी. प्रोविजनल गवर्नमेंट ही बनी थी ना, मोनार्की को, मोनार्की को क्या किया, ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन का मतलब खत्म किया, नई गवर्नमेंट बनी. एंड हु वाज द हेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट? करेंसकी. सिट डाउन. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. हां जी ख्वाहिश. इकोनॉमिक कॉज में कितने परसेंट फार्मर्स है, कितने परसेंट इंडस्ट्रियलिस्ट? कईयों ने 80 लिखा है. हाँ जी हृदय. नेम टू इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रशिया जहां पे मेजर इंडस्ट्रीज थी. सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को. हाँ